शिकार करे वो शेर नहीं ठग होता है, और अगर दुश्मन तगड़ा हो तो उसे मारने का मजा ही अलग होता है। वैसे तो अजय देवगन को किसी कॉमेडी मूवी में इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है, पर ऐसी कुछ फिल्में हैं जिसमें उनकी कॉमेडी ऑडियंस को उतनी ही पसंद आई जितना कि उनका एक्शन। उसमें से एक थी 2012 की कॉमेडी ड्रामा मूवी सन ऑफ सरदार, और अब अजय इसका दूसरा पार्ट लाने के मूड में है जिसमें हमें नजर आ सकते हैं सनी देओल। ऐसा कहा जाता है कि अजय प्रीक्वल की तरह सीक्वल में भी डिवोटेड सरदार जी के कैरेक्टर में ही दिखाई देंगे, पर विलन के कैरेक्टर में सनी गदर मचा सकते हैं। वैसे अभी तक सनी ने इस पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया है, पर सनी ने कुछ समय पहले बॉलीवुड में अपनी दूसरी दौर की शुरुआत की है। पहले में वो एक्शन हीरो के तौर पर ही पहचानी जाती थी, पर बाद में फिल्मों को लेकर उनका टेस्ट थोड़ा बदलता रहा और फिर गदर 2 के जरिए वो फिर से एक एक्शन सुपरस्टार के तौर पर ही हमें नजर आए। और अभी वो ये नहीं देख रहे कि हीरो का रोल है या विलन का, या फिर मूवी देशभक्ति वाली है, उन्हें बस अच्छी स्क्रिप्ट और कैरेक्टर से मतलब है। तो इस सब को देखते हुए सन ऑफ सरदार 2 में विलन का कैरेक्टर वो निभा सकते हैं। वैसे उन्होंने करियर में बहुत कम बार विलन का रोल प्ले किया है। साल 2009 में आई फॉक्स में सनी विलन बनी थी, 2014 में आई ढिशकियाओं में भी मूवी राइट या रॉन्ग में सनी का डार्क कैरेक्टर था, फिर साल 1999 में एक्शन और रोमांस से भरपूर मूवी अर्जुन पंडित में भी वो विलन ही बने थे। तो सन ऑफ सरदार 2 में भी सनी को विलन बनते देखना यानी बहुत ही मजा आने वाला है। वैसे बीच में बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर सन ऑफ सरदार 2 की कहानी ढालने की प्लानिंग हुई थी, और 2016 में अजय ने बाकायदा ये मूवी अनाउंस भी कर दी थी, मगर उन्हीं दिनों अक्षय कुमार केसरी नाम की मूवी पर काम कर रहे थे जो कि इसी ऐतिहासिक युद्ध पर बेस्ड थी, इसलिए अजय को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा। अब सन ऑफ सरदार तो 2010 में आई एसएस राजा मौली की मूवी मर्यादा रमन्ना की हिंदी रीमेक थी, तो पहली मूवी के लिए अजय को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर अब वो ज़्यादा मेहनत ले कर रहे हैं पार्ट 2 की स्क्रिप्ट पर। तो खैर बाप, तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882-88-500-88.